हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक रोमांटिक और दिलचस्प कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आपकी प्यारी सहेली का चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नितिन, जानी पहचानी आवाज सुनकर नितिन के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए। उसने पीछे घूम कर देखा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हुआ नितिन, मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। अच्छा यह बताओ कि तुम मुंबई कब आए? उसने नितिन से एक साथ कई सवाल किए, लेकिन नितिन ने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। वह भी उसके साथ साथ आगे बढ़ गई। कुछ दूर नितिन के साथ चलते हुए उसने झिझकते हुए कहा, नितिन मैं काफी अरसे से दिल पर भारी बोझ लेकर जी रही हूँ। कई बार सोचा भी कि तुमसे मिलूं और मन की बात कहकर दिल का बोझ हल्का कर लूं, मगर आज हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना तुमसे दिल की बात कहकर मन हल्का कर लूं। नितिन मैं पास ही में रहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठकर बात कर ले। नितिन के पैर वहीं ठिटक गए। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर गुजारिश के भाव थे जो नितिन की चुप्पी को देखकर निराशा में बदल रहे थे। नितिन अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो रहने दो, उसने मायूस होते हुए कहा। नितिन ने उसके मन के दर्द को महसूस करते हुए धीरे से कहा, कहाँ है तुम्हारा घर? उधर उस चाल में, उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ रुक नहीं पाऊंगा, जो कहना हो जल्दी कह देना, उसने हाँ में गर्दन हिला दी। ठीक है चलो, कहकर नितिन उसके साथ चल दिया। नितिन का साथ पाकर उसको जो खुशी हो रही थी उसे कोई भी महसूस कर सकता था। खुशी से उसके चेहरे की लाली ऐसी चमक रही थी मानो सालों से बंजर पड़ी जमीन पर अचानक हरी भरी फसल लहलाने लगी हो। उसके रूखे और उदास चेहरे पर एकदम ताजगी आ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वह चौल में बने छोटे से घर के सामने आकर रुकी और दरवाजे पर लटके ताले को खोलकर नितिन को अंदर ले गई। नितिन तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई, कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। जमीन पर बिछे बिस्तर पर बैठकर नितिन उस छोटे से कमरे की एक एक चीज को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने मेज पर रखे एक फोटो फ्रेम पर जाकर अटक गई जिसमें नितिन के साथ उसका फोटो जुड़ा हुआ था। वह फोटो उसने अपनी शादी के एक महीने बाद कस्बे की नुमाइश में खिंचवाया था। उसकी माँ के कहने पर माँ ने तब उससे कहा था, बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, जाकर कमला को नुमाइश घुमा ला, और हाँ नुमाइश में कमला के साथ एक फोटो जरूर खिंचवा लेना। पुराना फोटो देखकर गुजरे समय की यादें ताजा हो जाती हैं। माँ की बात याद आते ही नितिन का मन भर आया। एक तो पिता की अचानक मौत का दुख, दूसरे नौकरी के लिए उसका गाजियाबाद चले जाना माँ को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगा था। नतीजन वे धीरे धीरे बिस्तर पर आ गई। नितिन ने कई बार माँ को अपने साथ शहर ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की भी कही, लेकिन वे गांव से हिलने के लिए भी राजी नहीं हुई। वह तो शुक्र हो उसके पड़ोस में रहने वाली कमला का, जो माँ की तीमारदारी कर दिया करती थी। कमला कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, गाँव के ही स्कूल से उसने 6 जमात पढ़ाई की थी, पर थी बहुत समझदार। शायद इसलिए वह उसकी माँ के मन को भा गई और उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। यह बात माँ ने नितिन को तब बताई थी जब वह एक दिन उनसे मिलने गांव आया था। माँ ने उससे कहा था, बेटा कमला मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरे पीछे वह जिस तरह मेरी देखभाल करती है उस तरह तो मेरी अपनी बेटी होती तो वह भी नहीं कर पाती। मैंने सोच लिया है कि तेरी शादी मैं कमला से ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह तेरा घर अच्छी तरह संभाल लेगी। नितिन मन से अभी शादी करने को तैयार नहीं था। उसकी इच्छा थी कि पहले वह अच्छा पैसा कमाने लगे, शहर में किराए के मकान को छोड़कर अपना मकान बना ले, कुछ पैसे इकट्ठा कर ले ताकि भविष्य में पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े। लेकिन माँ की खुशी के लिए उसने अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर कमला से शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ ही महीनों बाद अचानक नितिन की माँ की तबीयत बिगड़ गई। काफी इलाज के बाद भी वे बच ना पाई। नितिन कमला को अपने साथ शहर ले गया। वहाँ कमला के रहन सहन खान पान बोलचाल और पहनने ओढ़ने में एकदम बदलाव आ गया। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह गांव की वही अल्हड़ और सीधी सादी कमला है जो कभी सजना सवरना भी नहीं जानती थी। कमला में आए इस बदलाव को देखकर नितिन को जितनी खुशी होती उतना ही दुख भी होता था, क्योंकि वह दूसरों की बराबरी करने लगी थी।
पड़ोसी कोई औरत 2,000 रुपए की साड़ी खरीदती तो वह 3,000 रुपए की साड़ी मांगती। किसी के घर में 10,000 रुपए का फ्रिज आता तो वह 15,000 वाले फ्रिज की डिमांड करती। नितिन ने कई बार कमला को समझाया भी कि दूसरों की बराबरी न करके हमें अपनी हैसियत और आमदनी के मुताबिक ही सोचना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, जिसका नतीजा यह निकला कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने की खातिर एक ऐसे भंवर जाल में जा फंसी जिसे नितिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन शाम को नितिन अपनी ड्यूटी से वापस आया तो घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसने सोचा कि कमला किसी काम से कहीं चली गई होगी, इसीलिए वह बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। इस बीच उसने कई बार कमला को फोन भी मिलाया, लेकिन उसका फोन बंद था। रात के करीब 12 बज चुके थे, तभी उसके दरवाजे के सामने एक चमचमाती कार रुकी, जिसमें से कमला नीचे उतरी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके लड़खड़ाते कदमों को देखकर कार में बैठा शख्स बोला, "कमु डार्लिंग, संभल कर." कमला उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। वह शख्स भी मुस्कुराया और बोला, "ओके कमु डार्लिंग, बाय." इतना कहकर वह वहां से चला गया। यह देखकर नितिन हैरान रह गया, उसका दिल टूट गया। उसे कमला से नफरत हो गई। उसके जी में तो आया कि वह अपने हाथों से उसका गला घोंट दे, मगर कमला शराब के नशे में इस कदर चूर थी कि उसे घर का ताला खोलना भी मुश्किल हो रहा था। नितिन ने उससे चाबी छीनी और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। विचारों की कश्ती में सवार सोफे पर बैठ नितिन खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही उनके जवाब दे रहा था। उसे खामोश देखकर कमला ने कहा, "नितिन, मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं इतनी रात को कहां से आ रही हूं, मेरे साथ कार में कौन था और मैंने शराब क्यों पी है?" कमला, अगर बता सकती हो तो सिर्फ इतना बता दो कि मेरे पैर में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसने तुम्हें कमला से कमु डार्लिंग बनाने के लिए मजबूर कर दिया। नितिन, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती, सब कुछ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं आकाश से प्यार करने लगी हूँ। प्यार? चौंकते हुए नितिन ने कहा, हाँ नितिन, यह वही आकाश है जिसके साड़ी एम्पोरियम में हम एक बार साड़ी खरीदने गए थे। तुम्हें याद होगा मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पसंद की थी और तुमने उस साड़ी को महंगा बताकर खरीदने से इनकार कर दिया था। तब आकाश ने तुमसे कहा था कि साड़ी महंगी बताकर भाभी जी का दिल मत तोड़ो, भाभी जी की खूबसूरती के आगे 3,000 तो क्या 20,000 की साड़ी भी सस्ती होगी। लेकिन तुम आकाश की बातों में नहीं आए, जिससे मेरा दिल टूट गया। दिल टूट गया और तुम आकाश से प्यार करने लगी? नितिन, हर लड़की की तरह मेरा भी कुछ सपने हैं। मैं भी ऐश की जिंदगी जीना चाहती हूँ, महंगी से महंगी साड़ी और गहने पहनना चाहती हूँ। तुम जैसे तंगदिल और तकियानुसी इंसान के साथ रहकर मेरा यह अरमान कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं सोचने लगी कि काश मैं आकाश की पत्नी होती। वह कितने खुले दिल का इंसान है, कितनी खुश नसीब होगी वह लड़की जो आकाश की पत्नी होगी। कितना प्यार करता होगा आकाश अपनी पत्नी को। लेकिन आकाश शादीशुदा नहीं है, यह तो मुझे तब पता चला जब एक दिन आकाश से अचानक मेरी मुलाकात बाजार में हो गई और उसने मुझसे अपने साथ कॉफी पीने को कहा। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके साथ कॉफी पीने चली गई। कॉफी पीते समय आकाश ने मुझसे कहा, भाभी जी, उस दिन आप वह गुलाबी रंग की साड़ी नहीं खरीद पाई, इसका मुझे आज भी अफसोस है। मेरा तो मन था कि वह साड़ी मैं आपको गिफ्ट कर दूं, लेकिन मैं आपके पति की वजह से ऐसा नहीं कर पाया था। मैंने आकाश से कहा था, छोड़िए आकाश जी, मेरे नसीब में वह साड़ी नहीं थी। आकाश बोला था, बात नसीब की नहीं होती है भाभी जी, बात होती है प्यार की। काश आप मेरी पत्नी होती तो मैंने आपके लिए एक साड़ी तो क्या दुनिया जहान की खुशियां लाकर आपके कदमों में डाल देता, सचमुच आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता। आकाश की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कहा था, आकाश सचमुच अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो तुम मुझसे इतना ही प्यार करते? वह बोला था, भाभी जी, एक बार आप मेरे प्यार की गहराई नाप कर तो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस दिल में आपके लिए कितना प्यार है। बस उसी दिन से मैं आकाश के प्यार में डूबती चली गई। नितिन, मैं तो तुम्हें छोड़कर आकाश के पास चली गई थी, लेकिन वह चाहता था कि मैं तुम्हें अंधेरे में ना रखकर अपने प्यार के बारे में बता दूं, मगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसीलिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा। कमला, मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, क्योंकि यह सब कहने का कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आकाश जैसे पैसे वाले लोगों के पास दिल नहीं होता। अपनी दौलत के बल पर तुम जैसी बेवकूफ और लालची औरतों के जिस्म से तो खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते। आकाश उन लोगों में से नहीं है, वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि इस समय तुम्हारे दिमाग पर आकाश और उसकी दौलत का नशा छाया हुआ है, पर हकीकत जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर नितिन कमला के पास से उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उसने सोचा कि जब कमला का नशा उतर जाएगा तो उसे अपनी भूल का एहसास जरूर होगा और वह कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन सुबह जब नितिन सोकर उठा तो कमला को दुल्हन की ड्रेस में देखकर चौंक गया। वह कमला से कुछ कहता इससे पहले ही वह बोल पड़ी, नितिन, अच्छा हुआ तुम जाग गए, वरना मैं तुमसे मिलने बिना ही चली जाती। चली जाती?
कहाँ चली जाती? आज आकाश ने मुझे एक अलग फ्लैट लेकर दे दिया है, मैं और वह साथ रहेंगे। कमला की यह बात सुनकर नितिन को ऐसा झटका लगा जैसे उसके कान पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसी समय आकाश ने कार का हॉर्न बजा दिया, जिसे सुनकर कमला उठ खड़ी हुई और अपना ब्रीफकेस उठाकर बोली, मैं जाती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नितिन चुपचाप उसे जाता हुआ देखता रह गया। वह चाहता तो उसे रोक भी सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि जिस कमला ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की गरज से उसकी भावनाओं को भी नहीं समझा, उसे रोकने से भी क्या फायदा। नितिन, कमला की आवाज ने नितिन की यादों की कड़ी को तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे 15 साल पहले मिले जख्म फिर से हरे हो गए, जिनकी टीस को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और चुपचाप वहां से उठकर जाने लगा। कमला ने मायूस होकर कहा, नितिन, जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं, मैं उसकी दवा तो नहीं बन सकती, लेकिन इतना जरूर है कि बेवफाई का जो जहर मैंने तुम्हारी जिंदगी में घोला था, उसकी कड़वाहट से मेरा वजूद जरूर कसैला हो गया। तुमने ठीक ही कहा था नितिन कि अमीरजादों के पास धन दौलत और ऐश करने की चीजें तो होती हैं, लेकिन प्यार करने वाला दिल नहीं होता। काश उस समय मैं तुम्हारी बात मान लेती और अपनी इच्छाओं को काबू कर पाती, तो आकाश जैसा धोखेबाज, चालबाज और मक्कार इंसान मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाता। वह मुझे बड़े बड़े सपने दिखाकर तब तक मेरी जिंदगी से खेलता रहा जब तक मुझसे उसका दिल नहीं भर गया। इसके बाद उसने मुझे उस दलदल में धकेलने की कोशिश की जहाँ औरत मर्दों का दिल बहलाने वाली खिलौना बनकर रह जाती है, लेकिन मैं उसके नापाक इरादों को भांप गई और उसके चंगुल से निकल गई। यहाँ आकर मैं एक अनाथ आश्रम में गरीब और बेसहारा बच्चों की देखभाल करने लगी, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम्हारे पास आने के सारे हक मैं पहले ही खो चुकी थी, इसलिए तुम्हारे पास आने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं जीना नहीं चाहती थी, पर यही सोचकर अब तक जिंदा थी कि कभी तुमसे मुलाकात होगी तो तुमसे माफी मांगकर मरूंगी। तुम चाहते तो मुझे आकाश के साथ जाने से रोक सकते थे, मेरे साथ मारपीट भी कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, चुपचाप अपनी दुनिया को लुटता हुआ देखते रहे। नितिन, मैंने तुम्हारी हस्ती खेलती दुनिया को बर्बाद किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नितिन ने ज्यादा बात नहीं की, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह खुद कमला के जाने के बाद अकेला था, पर उसे मालूम ना था कि कमला पर भरोसा करा जा सकता है। उसने उठकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा तब बात करेंगे। कमला ने कहा, चलो मैं ऑटो स्टैंड तक छोड़ आती हूँ, मुझे लौटते हुए कुछ खरीदना भी है। दोनों चौल से बाहर आए। नितिन का ध्यान कमला की बातों में था और उसने देखा ही नहीं कि बाएं से एक बस तेज से आ रही है। वह बस उसे कुचल देती कि कमला ने उसे अपनी ओर खींच लिया, उसकी जान बच गई। पर कमला को दाएं से आते एक ऑटो ने जोर से टक्कर मार दी। यह देखकर नितिन घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। कई घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद डॉक्टर ने कमला को खतरे से बाहर बताया, तो नितिन ने राहत की सांस ली। इन घंटों में वह कमला के पास बैठा यही सोच रहा था कि जितनी गुनाहगार कमला है, उतना ही गुनाहगार वह खुद भी है, क्योंकि कमला तो दुनिया की भीड़ में भटक गई थी, लेकिन उसने भी तो उसे सही रास्ता नहीं दिखाया। हो सकता है उस समय वह उसे आकाश के पास जाने से रोक लेता तो शायद आज कमला को घर छोड़ने जैसा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हल्की सी कराह के साथ कमला ने आंखें खोली तो नितिन ने उससे कहा, अब कैसा महसूस कर रही हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, पगली कहीं की, एक गलती के बाद दूसरी गलती, यह कहाँ की समझदारी है? अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। नितिन की यह बात पर कमला हैरानी से आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए नितिन ने कहा, हाँ कमला, तुमसे मिलने के बाद और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तो मैंने भी जीने का मन बना लिया। इतना सुनते ही कमला खुद को रोक नहीं पाई और नितिन से लिपटकर सिसक पड़ी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।